ओके देखिए बेटा, तो आज हमें ये पढ़ना है मैथ का एक्सरसाइज। हुई थी हमारी कंप्लीट 7.3 तक, ठीक है। 7.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं आपको कुछ फार्मूला लिखा रहा हूँ। तो बेटे जो फार्मूला है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास, उनको हम या तो जो मैं फार्मूला लिखा रहा हूँ इस वाली फॉर्म में आपको लेके आना, ठीक है, या डायरेक्ट एप्लीकेशन होना। तो फार्मूला में सबसे पहले नोट कर दे रहा हूँ, आप कंडीशन ये पर फार्मूला जिस टाइप का है कि अगर कहीं पर ये है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस टाइप की टर्म है और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा है, तो बेटे इसका हो जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, ठीक। सेकेंड इज डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये इसका बेटे होगा आपका वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। थर्ड कंडीशन इट मे बी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सपोज करो ऐसा ही है, तो ये वन अपॉन टू ए बेटा लॉग ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिएगा, फोर्थ फार्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका बेटे इंटीग्रेशन जो होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड फिफ्थ इज इफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका बेटे जो लॉग फार्मूला होता है वो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला और है, छह फार्मूले आपके हैं जो आपको और याद करने हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो सिक्स फार्मूला है कि अगर कंडीशन ऐसी हो सकती है, तो आपका ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये होता है ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ठीक है। इसका प्रूफ भी है बट प्रूफ आता नहीं है, तो इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पढ़ना है। सब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इनका प्रूफ है, और ये दो तीन फार्मूला का प्रूफ क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन इनका नियम होगा, जो रूट में आपका ये नंबर्स हैं इनका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए इनका सब्स्टिट्यूशन की है, जिससे हम लोग प्रूफ जो है इनका। और इनका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है तो पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन हमारी अगली एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज गिवन दैट एक्स आई 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस 1। देखिए डायरेक्ट तो नहीं है क्वेश्चन, हम कैसे अपने फार्मूले फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए भी करना क्या होगा, या फिर और थोड़ा सा ये एक्स क्यूब होल स्क्वायर ऐसे लिख लो प्लस वन, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टी ये बन गया इसमें कैसे दिया 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू मतलब डी टी होगा टी स्क्वायर प्लस वन। हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला हो गया, याद फर्स्ट फार्मूला लेता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए की जगह बने बात हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जाए वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स वाई है, एक ही जगह पर तो वन अपॉन वन से तो मतलब नहीं होता, सिर्फ टेन इनवर्स आपको लिखोगे प्लस सी यूज द वैल्यू ऑफ ए, सो क्या होते एक्स यू है प्लस सी, एक क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन
आपका सिमिलर क्वेश्चन है ये आप देखिए सेकंड और थर्ड है कैसे, तो मैं थर्ड कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन इट इज गिवन डी एक्स ओवर अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये स्टार का क्वेश्चन है। तो यहां पर भी आपको लेट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू डी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा डी टी और डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी माइनस डी टी का मीन्स माइनस डी टी ओवर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 1 को हम कैसे कर लो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए फार्मूला में हमने लिखा था, अगर याद हो डायरेक्ट यहीं पर लिखो माइनस आ जाएगा ये और बेटा लॉग है ना डी प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 1 यूजिंग द वैल्यू ऑफ डी यू कैन गेट हियर डी फॉर 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस नोट डाउन इट If you want to note it, if you note कर लीजिए और नहीं करना है तो फिर आगे बढ़िए हैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाले को क्वेश्चन खास ऐसा मैटर है नहीं। तो बेटे इस टाइप का क्वेश्चन एक से लेकर 9 नंबर तक क्वेश्चन लघु मिलते जुलते हैं, तो मैं साथ में क्वेश्चनों को बताता हूँ आपको। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, मतलब उम्मीद इससे और 5 में से मिला करके एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, चौथी 5 दूसरी तीसरी से मिला कर एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बेटे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 7 क्वेश्चन इट इज गिवन दैट x माइनस 1 dx ओवर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 ये स्टार्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले अभी हमारे पास वाली फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में नहीं है, और अगर 6 फॉर्म थी उनमें कोई भी ऐसा नहीं था इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी दे रखा था, डिनोमिनेटर से बल दे रखा था या डी एक्स दे रखा था, तो हमें बेटे पहले उस वाली फॉर्म की तरफ चलना पड़ेगा। जैसे करना क्या है, हम इसे लिख लेंगे पहले से ब्रेक कर लो दो पार्ट, ये एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये 1 है बन डी एक्स इज खा डी एक्स लिखो एक बार इसके अपॉन एक बार में एक बार इसके अपॉन में आपको मिली है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अभी क्वेश्चन होगा जो एक का क्या होगा ये तो डायरेक्ट उसी फॉर्म में रखा था डायरेक्ट का जैसा कि हमारे ऐसा फॉर्मूला था ऐसा वाला फॉर्मूला है मगर ऐसा नहीं है, ऐसा तो है इसको ऊपर से दे रखा हुआ ऐसा नहीं है। तो ऐसे करेंगे ये एक्साइड 2 का क्वेश्चन आप सभी पॉइंट 2 में स्टार्ट क्वेश्चन आए हैं सबसे दूसरे पॉइंट यानी लेट रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बेटे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू की 2x dx इक्वल टू क्या 2d बोलो तो ये एच डी एक्स का क्या जाएगा टी, तो ये आपको हो जाएगा टी डी टी और अपॉन में कितना इसको टी कहा माइनस ये 1 अपॉन सॉरी ये लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है प्लस बोलो इंटीग्रेट कैंसिल ये बन रहेगा बन रहा फिर से माइनस लॉग ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर प्लस आई असाइनमेंट इक्वल आप कर सकते हैं डी बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेटा प्लस ठीक। तो वांट टू नोट इट जहां तक नोट करने का मन हो नोट कर लो छोड़ने का मन हो छोड़ दो। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। बाकी क्वेश्चन नंबर था 10th लेवल से क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अलग
चैप्टर 15 नंबर तक एक जैसे क्वेश्चन सही है। इसमें तीन वैरायटी के क्वेश्चन है, एक भी डायरेक्ट वाले एक से लेकर नौ तक, इनमें बहुत लंबा चौड़ा तमाशा नहीं है। अब इसके बाद 10 से लेकर 15 तक अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के, जो एग्जाम में आने के लिए काफी उपयोगी रहते हैं। सही है, तो एग्जाम से देखेंगे। और इसके बाद 16 से 23 तक सेम पैटर्न है, थ्री कैटेगरी है क्वेश्चन की। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे क्वेश्चन, तो बेटे हमें परफेक्ट स्कोर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्कोर जो कभी आपने बनाया होगा 10th क्लास में क्वांटिटी क्वेश्चन पढ़ी होगी या फिर पॉलीनोमियल। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10 dx या 1 अपॉन बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ध्यान से, अब ये उनमें से जो हमारे फार्मूले दे रखे थे उनमें से एक भी फार्मूला ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ दे रखे, तो हमें से क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, 3 जो माने जाते होल स्क्वायर प्लस समथिंग था, इसको उसी लेवल पे अब हमें अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब मेन परफेक्ट स्क्वायर बनाने की आप कला सीखिए, बनाते कैसे, हो सकता है आपने कंप्यूटर स्क्वायर मेथड से सीखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ याद आए तो वहाँ पर ये सब करना पड़ता है। सही है, मगर वो बहुत बच्चे उसको जोर देते नहीं हैं टेंथ में, उस समय टेंथ लेवल में ना तो इतनी मेहनत से सिखाया जाता है और ना इतनी मेहनत से बच्चे सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले बेटे एक्स स्क्वायर आपने मान लिया के साथ कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, अगर बाई चांस एक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट हो तो हम उसे कॉमन लेके सबसे पहले रिमूव कर देंगे। हम करते हैं एक्स स्क्वायर हमारा सेपरेट हो जाए, एक्स स्क्वायर हमारा सिंगल उसमें आ जाए, इसके साथ कोएफिशिएंट का हमेशा बल होना चाहिए, समझ में पहले करें इसमें ऑलरेडी माने तो हम दोबारा काम नहीं करना। फिर करना क्या है, फिर देखते हैं एक्स एक्स इसका कोएफिशिएंट क्या है, जो भी है इसका जो भी कोएफिशिएंट है उसका आप करेंगे हाफ और उसका करेंगे स्क्वायर, उतना ही जोड़ेंगे उतना ही माइनस करेंगे। तो आप को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं क्या करते हैं, हाफ हाफ कोएफिशिएंट का एक्स इसका स्क्वायर जोड़ना उतना ही माइनस करना, समझ में आई। तो हम इसी काम को हम करते हैं, नीचे आ जाएगा तो ये वाला पार्ट आप लिए ये वाला भी आसान हो जाएगा। अब बेटे आप देखिए एक्स स्क्वायर से मतलब नहीं है, 2x ऐसे लिखता रहेगा, अब इसके बाद काम करना है ये वाला, जैसे को भी लिखना है इसका आधा कितना होगा, हाँ बन गया इसका जोड़ दो बन गया इसका माइनस प्लस 2 की बाका है, इसको नहीं है उस तरफ किया है, समझ आएगा नहीं आई ये लाइन, समझ आएगा अगली लाइन समझ में आएगी, आप बहुत सारा काम सीखेंगे अगर आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो ये आपका ऐसा है, ये यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए टर्म एक्स वाली प्लस की है तो प्लस टू ए भी आएगा, माइनस की है तो माइनस टू आएगा, समझ रहे हो, ये टर्म डिसाइड करेंगे इट बिकम्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस प्लस प्लस वन ओनली, इट विल राइट आल्सो प्लस। अगेन फार्मूला क्वेश्चन नंबर 5 लेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू dx इक्वल टू बेटा dt, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू का माप करोगे, इट बिकम्स dt ओवर अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1। अभी फिर आप लोग जान पता हो तो उसका इंटीग्रेशन आपको आसानी से करने को मिल जा रहा है, t प्लस बटे रूट ये तो प्लस c log t फॉर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन लिख लोगे, ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और आप इसे ओपन करो खोलोगे तो ये आंसर नहीं होगा, तो कौन सा आंसर होगा, तो इसको ओपन करके खोल के सॉल्व करके आ समझ में आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है 1 to मतलब 10 to 15, यू कैन आस्क एनी वन क्वेश्चन 10 to 15 तक, कोई भी और क्वेश्चन है पूछ लो 15 तक पूछ लो, सही है, ये क्वेश्चन समझ में अगर आ गया हो सही है, समझ में आ गया हो तो और दोबारा पढ़ो आगे से, ये क्लियर है, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन है। तो नाउ कम
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बराबर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 15, डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। ये ठीक है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा है तो उसी का है, मगर थोड़ा इन्होंने क्या किया कि और भी देखे क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दिया, जब से कुछ ना सीधे घटेगा ना जो नंबर आएगा वैसे वैसे लेने पड़ेगा, तो इसको जरा आप ब्रैकेट खोलेंगे इसके हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए कुछ ऐसा आ जाएगा, खोलो ऐसे आ जाएगा। सही है मेरा आइडिया। अब आपको ये बड़ी परंपरागत क्वेश्चन बन गया, आगे की तरह अंदर जरूर होता चला जा रहा है और इसमें हम परफेक्ट उसका पाएंगे तो कोएफिशिएंट आप क्या इसका आधा करेंगे उसका करेंगे स्क्वायर, तो इसलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे बनाया है। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स बेटा, अब हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब हाफ ए प्लस बी बेटा, इसका भी क्या इतना जोड़ा जाएगा इतना ही हटाएंगे प्लस ए बी और देखेंगे क्योंकि राइट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अपॉन टू एक्स माइनस इसका होल स्क्वायर कितना नहीं आ रहा। अब इसको बेटा आप चाहो तो ये ए बी को थोड़ा पहले लिख दें प्लस का है और ये टर्म माइनस की है, तो माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन फोर है इस बार होल स्क्वायर दो का इसको अच्छा नहीं ऐसी। और थोड़ा सा आर्गुमेंट करते हैं क्योंकि अभी कुछ मामला आ जाएगा क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ये तो बन गया तो हो गया अपनी जगह आ गया है, तो एक तरफ बनाने की तरफ से क्या होती है इसको काम हो गया सॉल्व कर लो ऐसा कर लेंगे इसका भी माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन फोर ऐसे ले सकते हैं बच्चों फोर ए बी और ए प्लस बी होल स्क्वायर यही तो है, तो इसको अगर थोड़ा सा एक तरफ आप तो क्या हो जाएगा फोर ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन फोर अब वहाँ पर कितना जाएगा टू ए बी प्लस टू ए बी जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस का कॉमन लेता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन फोर क्या हो जाएगा ए माइनस बी तो इस पूरे को इतना लंबा चौड़ा सॉल्व ना करके मैं डायरेक्ट आपके एक्स एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन कंप्लीट स्क्वायर माइनस ए माइनस ऐसा है अब ये हो चल रहा है इसको यहां पर टी मानेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू टी, तो डी एक्स को इक्वल टू कितना है डी टी, तो डी टी होगा अंदर ये कितना ई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन टू होल ठीक है। अब वन अपॉन ये कंडीशन आ गई
कितना जाए लॉग लॉग टी प्लस अंडर टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन टू स्क्वायर। जब इसे पूरा ही सॉल्व कर दो अंदर तो कंडीशन टी की वैल्यू क्या है x माइनस बी प्लस बी x माइनस बी प्लस बी अपॉन। देखो आंसर किससे मिलता है अगर इसे सॉल्व कर दो तो पूरा x स्क्वायर x की वैल्यू लगा दो तो कंडीशन लिखा जाएगा पूरा सॉल्व करो जब वैल्यू निकालते हो तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए तो जैसा प्लस आंसर चेक कर लो ठीक है तो यहाँ सही है। यानी कि इसके आसपास बहुत मुझे हमने नहीं बस मान के मिस्टेक के लिए रियल इसको उन्होंने ऐसे ना लिखा ठीक है तो हमने इसको भी ऐसे लिखा ठीक तो ये जबरदस्त क्वेश्चन हुआ ठीक है। Thank you.